तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज की इस वाले वीडियो में अपन रैंक पुश करने वाले हैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ। और इन यूट्यूबर्स को भाई तुम अच्छे से जानते हो, मतलब भाई गिने चुने अपने यही तो भाई लोग हैं। और मतलब तुम गैस मारना भैया आज कौन कौन है, मैं तुम्हें नाम तो नहीं बताऊँगा, मैं चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। यार एक काले कच्छे वाला है और एक बाय द वे जी गुरु जी भैया, नहीं कहाँ गायब हो गए थे सर तुमने? भाई साहब कमेंट सेक्शन और यूट्यूब के लाइव में लिख लिख के वेयर इज जी गुरु जी, वेयर इज जी गुरु जी, भैया ये रे जी गुरु जी तुम्हारे सामने। तो गाइस जी गुरु जी कहाँ पे थे भाई, ये तो तुम्हें जी गुरु जी खुद ही बताएंगे वीडियो बना के, क्योंकि हमें ये बताने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज तुमने नोटिस करी होगी कि तुम्हारे भाई के पास स्किन है और आउटफिट आ चुके हैं, और ये ग्लोबल अकाउंट नहीं है, ये केआर अकाउंट है। इस वाले अकाउंट का सीन भी मैं तुम्हें दो तीन दिन में बता ही दूंगा, ये केआर अकाउंट किसका है और भाई इसमें इतनी खतरनाक गन्स स्किन कहां से आई और इसमें अपनी फेवरेट ड्रेस कहां से आई? नहीं ब्रो, अभी तो फिलहाल सबसे पहले भाई मिलिट्री बेस क्लियर करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटप्रिंट आ रहे थे। बंदे आ गए। ये पायरेट वाली AKM जो है भाई, मतलब सीरियसली भाई डोप है एकदम। तुम मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी, वैसे कति भसड़ मचा देंगे। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे जितने बंदे थे भाई सबको मारा, 3 किल हुए थे। और ये जो है गाइस बहुत अच्छी लोबी का गेम प्ले था, क्योंकि इस वाले अकाउंट में बहुत ज्यादा हाई लीग है मेरी। यहाँ पे भी एक बंदा कैंप कर रहा था, बारी थी उसे पहलने की। डेकू यार तेरा भाई जिंदा है यार अभी, डेकू और इस बंदे को भी मैंने इजीली मार दिया। तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। और यहाँ पे जरा डीकू बीकू को भैया रिवाइव दे लेते हैं। और पावर भी भाई देख रहे, मतलब अपने लोंडे कैसे यूज कर रहे, मतलब सही है भाई, पावर भी बहुत ज्यादा सही चीज है। तुम मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पावर का सीन क्या है भाई। ये चीज कुछ बंदों को पसंद आती है, कुछ बंदों को नहीं आती, पर मानो या ना मानो ये चीजें भाई गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि भाई एक बैटल रॉयल गेम है, रोज गन चला के भाई आदमी बोर हो ही जाएगा एक ना एक टाइम पे। तो बस मेरा मानना यही है, अगर भाई थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें PUBG मोबाइल में आती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया करो। ये मत कहा करो भाई फोर्टनाइट की कॉपी कर रहा है ये वो रहा, भाई ये लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, गेम वो ही रहेगा बैटल रॉयल नॉर्मल वाला। अब जितने भी टाइम से भाई मैं गेम खेल रहा हूँ ना, मैंने एक चीज देखी है, गेम को ना भाई दो ही चीज खत्म करती है, या तो मतलब उसके बग्स और ग्लिचेस या फिर अपडेट। अरे दो है मेरे पास है ना। और ये चीज भाई PUBG मोबाइल को पता है कि अगर इन्होंने कोई उल्टा सीधा अपडेट डाला ना परमानेंट, तो भाई गेम खत्म हो सकता है। दैट्स व्हाई जितनी भी चीजें मोड्स वगैरह होते हैं भाई, ये कुछ टाइम के लिए आते हैं, तो इसीलिए आते हैं भाई, ताकि मतलब परमानेंट डाल के भाई बंदों का मूड ना खराब हो जाए, क्योंकि भाई रियलिस्टिक नहीं रहता गेम एक तरीके से। पर अगर गेम में कोई चीज कुछ टाइम के लिए आती है तो भाई तुम्हें भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए गेमर। हाँ ऊपर है वो, एक और नेड है फारूक, ध्यान से बस भाई, ध्यान से उधर वाले घर में मत घुसिए। अरे अभी यहाँ पे मैंने और भाई डीकू ने मिलके भाई साहब सारे बंदे वेल देते हैं। अब तुम कहोगे डीकू कौन है भैया, नहीं ये नया नाम है भैया जी गुरु जी का। वैसे ये वाला नाम भाई बहुत ज्यादा कूल सा लगता है, मतलब डीकू डेका डुकू पता नहीं भाई साहब क्या है, बहुत मजा है भाई बोलने में, अलग ही लगता है डीकू। ना ना ऐसा नहीं है, मतलब उसमें तुम्हें डैमेज कम हो एनिमी की बुलेट का अगर तुम उसमें खड़े रहो। अभी फिलहाल जितने भी बंदे थे भाई सारे के सारे बंदे हमने मार दिए थे। उसके बाद हमने उठाई बग्गी और हम जा रहे थे भाई और बंदों को ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़े कम ही किल मिले थे। और अब देखो भाई अलग अलग बग्गी में जा रहे हम, चाहे सामने वाला बंदा हमें कोई भर दे ब्रिज कैंप करता हुआ, पर भाई कोई टेंशन नहीं, पहले ADS लेके देख लेते हैं भाई कोई हो ना। अब यहाँ तो मैं और डीकू भाई एक गाड़ी में थे, और रवि जो है अपना भाई काले कच्छे वाला, मतलब वो आगे ही भागा जा रहा था, मतलब उसे किल लेने की ज्यादा ही जल्दी थी और भाई घुसा भी हो सबसे पहले, पर तुम्हारा भाई भी पीछे से आया और किल बढ़िया करके चुराया। भाई इस वाले अकाउंट में ना, अगर इस वाले अकाउंट की मैंने तुम्हें इन्वेंटरी दिखा दी भाई तुम पागल हो जाओगे। मतलब इस वाले अकाउंट में ना भाई हर एक गन की स्किन है, ऐसी ऐसी स्किन्स है ना, क्योंकि ये KR वर्जन का अकाउंट है और KR वर्जन में स्किन्स बहुत ज़्यादा जल्दी मिलती हैं, तो इसमें भाई मतलब क्या ही स्किन्स है। मैं तुम्हें इसकी इन्वेंटरी दिखाऊँ या नहीं भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अभी यहाँ पे जैसे इन वाले बंदों को मारा तो भाई थोड़ा मैंने हीलिंग वगैरह करी, क्योंकि भाई यहाँ पे हाई रिस्क था बहुत और हाइट एडवांटेज तो मतलब तुम्हें यहाँ पे मिलता ही है भाई। जितना हाइट एडवांटेज तुम्हें यहाँ पे मिलता है ना कहीं और पे नहीं मिलता, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहता है। अभी जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ बैठता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ भाई, इतने में ही मतलब अभी तक बंदे आ नहीं रहे थे, पर जैसे ही हमने सोचा कि यार यहाँ से चलते हैं, उतने में ही भाई कुछ बंदे आ गए अपनी यूएस ले गए। अब वो जो येलो येलो मार कर देखा था भाई तुमने, भाई ने इन बंदों को इतना ज़्यादा डैमेज दिया था, मतलब तुमने देख ही लिया होगा। अभी बारी दिन बंदों को फिनिश करने की, पर भाई ये बंदे भी यार पावर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे और लॉबी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने भी अपनी फास्ट वाली पावर यूज़ करी और बढ़िया है भाई एक तरीके से, मतलब भाई ऐसा लगता है जैसे कि स्पीड हैकर बन गए हम। पढ़ रही और कहीं से दूर से भी ओल्ड डेड है ना ये तो, ये तो ओल्ड डेड है यार। लग तो रहा था यहाँ पे भाई मतलब पूरी स्क्वाड ने हमारे ऊपर पुश करा है, पर ये तो यहाँ पे दो ही बंदे थे आई थिंक सो, या एक बंदा था पता नहीं कितने थे। कहाँ से पढ़ रही हो? पढ़ी तो थी भाई टावर वावर से कहीं से। वो दिखा दिखा मैदान में। किधर 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 भाई बहुत डैमेज दिया मैंने। क्यों तोड़े ना था यार, ये बोट है, ये बोट है। देखो वोरा टावर पे सामने से मार। अब भाई ये टावर टूवर पे बंदे मार रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि सारे बंदे जो थे भाई ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिए थे। उसके बाद हम इस वाले कंपाउंड पे आते हैं और यहाँ पे सोचो हम क्यों रुके होंगे भाई, हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था। वैसे तो हम यहाँ पे फ्यूल के लिए रुके थे, पर घंटा भाई हमें यहाँ पे फ्यूल मिला ही नहीं और फ्यूल मिलता भी नहीं। कभी भी पबजी मोबाइल खेलते हुए एक चीज़ देख लेना, जब भाई तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत होगी ना वो तुम्हें मिलने की नहीं। जैसे कि तुम्हें 5 कैमो की जरूरत है ना भाई, मैं कह रहा 20 घर छान लेना, नहीं मिलने की। पर जब तुम्हें जरूरत नहीं होगी तो भाई तुम्हें पड़ी हुई मिलेगी। अगर तुम्हें ग्रेनेड की जरूरत होगी तो भाई तुम्हें ग्रेनेड नहीं मिलने का। तो यही सीन है पबजी मोबाइल का, और इसीलिए भाई पबजी मोबाइल हमारे दिलों में बसता है। मतलब भाई इस गलत सीन ना किसी और गेम में हो नहीं सकता। अभी फिलहाल हम जो है ना भाई ब्रिज से जा रहे थे और ब्रिज के पास से हमें जाती हुई दिखती है एक गाड़ी। अब वो गाड़ी तो हमें मिली नहीं, उसके बाद हमें फ्यूल कैन मिल गया। मैंने कहा भैया फ्यूल कैन उठाओ, सबसे पहले अपनी गाड़ी में भरेंगे इसको। यार एक चीज मैंने देखी, मतलब पबजी मोबाइल खेलते हुए ना भाई तुम्हें ज्यादा हबड़ा दबड़ी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठे रहो, एम तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। भैया तुम्हें गाड़ी में बैठे बैठे किल मिलेंगे, अभी देखना बस। यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट भाई उतर जाएंगे, मतलब रवि भी उतर जाएगा और भाई फारूक भी उतर जाएगा किल लेने के लिए। पर तुम्हारा भाई यहाँ पे चोड़ में आराम से गाड़ी में बैठा रहता है और उस वाले बंदे को मार देता है। अब यहाँ पे ये गाड़ी भाई पानी में जाने वाली थी, वो तो बच गई पता नहीं कैसे। पर भाई मैं तुम्हें बता रहा सीरियसली, जब तुम 3-4 यूट्यूबर्स एक साथ जो तुम डिमांड करते हो, मतलब मुझे लगता है भाई हाईली डिमांडेड वीडियोस होती हैं वाली कि भाई इस यूट्यूबर के साथ खेलो उस यूट्यूबर के साथ खेलो, पर मैं तुम्हें बता रहा अगर दो यूट्यूबर भी एक साथ आ गए ना भाई, तो तुम ये चीज भूल जाओ कि भाई मतलब तुम्हें कंटेंट वगैरह मिलेगा, क्योंकि भैया दो यूट्यूबर्स जब साथ आते हैं ना भाई, मतलब उन्हें तो भाई घुस के मारने का रहता है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक बंदा नोक करा सामने, भाई पूरी की पूरी टीम खा ली सामने। लेट्स गो, मर गए नहीं। अब रोज रोज भाई 20-30 किल करके, मतलब भाई मैं सीरियसली यार बोर हो चुका हूँ भाई। मुझे बहुत वैसे लगते हैं मतलब वो 20-30 किल वाले गेम प्ले बोरिंग से टाइप के भाई, चाहे जितने भी करवा लो। तुम मुझे कहोगे ना कि लेजेंड 20 गेम प्ले बना दे एक दिन में 20 किल वाले, भाई मैं आराम से बना दूंगा यार वो। 20 किल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारे गेम प्ले को देखते हुए भाई मजा आना चाहिए। क्या फ्लैश करके तुम 1v3 काट दो ना सामने। अभी सामने कुछ और बंदे दिखते हैं और भाई इनकी तो मौत मतलब यूएस में आई थी, ठीक है। अब फिलहाल इन बंदों को मारेंगे और तुम मुझे बताना तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ये अलग कलर से देखो भाई क्या ही ओपी था।
इस वाले वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं तुम्हें इस वाले अकाउंट की इन्वेंटरी दिखाऊं या नहीं, कैसा है ये पूरा अकाउंट भाई, इसमें बहुत सारे स्किन्स है, अगर तुम कहोगे तो भाई मैं तुम्हें दिखा दूंगा। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वाले वीडियो पर लाइक जरूर करना, नहीं हो तो इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पर आके मुझे फॉलो कर देना और अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलता हूं तुम्हारे से किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय।